नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम 4 बजे मैं आपको क्लास 10 CBSE का NCERT ख़त्म कराता हूं। इस सीरीज़ में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इतनी सारी वीडियोज़ में, इतने सारे दिनों से, उसमें हम लोग आज 7.1 के 7th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। उस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है, कितना कठिन होगा या कितना इजी होगा, आप इस वीडियो में देखेंगे और आसानी से उसको समझेंगे। छोटी सी वीडियो होगी एक जिससे आपको देखने में आसानी हो। 7th क्वेश्चन पर हम चलते हैं सीधे और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। 7.1 चल रही है हमारी। क्वेश्चन 7 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्स। बेटा एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है। पहले की वीडियोज देखी है तो बताओ जरा, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस पर बेटा कोई पॉइंट होता है तो क्या मानते हैं उसको? जैसे कि मैंने आपको ये समझा रखा है, यहाँ पर समझाया था, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो इसमें वाई बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें वाई बच्चे नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर होगा एक्स एक्सिस पर तो इसमें एक्स तो होगा। अगर मान लीजिए इसका होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1.0, इसकी 2.0, इसकी 3.0, मतलब कि वाई हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू -1.0, -2.0, -3.0, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसका वाई जीरो होगा। तो अगर आपको कोई पॉइंट मानना भी है, अगर तो कोई पॉइंट आप मानेंगे तो क्या मानेंगे बेटा? a.0। ओके, a.0 मानने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। बेटा इक्विडिस्टेंट का मतलब कौन बताएगा? इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल। ठीक है, दो पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इक्वल है। नहीं समझ आया ना? आओ जरा डायग्राम से देखो जरा। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, ये इससे दो पॉइंट और लेने हैं, ठीक है ना, इससे दो पॉइंट और लेने हैं। वो कौन से पॉइंट है सर? ये पॉइंट वो है, इनको नेमिंग कर देते हैं ए और बी, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं बच्चे ए, इसकी नेमिंग कर देते हैं बी। ओके, तो होगा क्या, यहां से ए की वैल्यू है बेटा 2.-5 और बी की वैल्यू है -2.9। ओके, किया क्या हमने, ये इक्विडिस्टेंट है बच्चे यहां से, ठीक है ना, ये इक्विडिस्टेंट है। तो ये दिख जा रहे होंगे आपको क्या है, ये इक्वल है बच्चे। ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट्स एक तीसरे पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, दो एक लोग यहाँ खड़े हैं, एक लोग यहाँ खड़े हैं, दोनों मेरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बनाई गई है कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस वाला एक पॉइंट फाइंड करना है। कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। देखो जरा कैसे हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। एक ही फॉर्मूला है सर हमारे पास अभी 7.1 में कि x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, यही तो बेटा फॉर्मूले है हमारे पास। इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला सिखाया गया इस एक्सरसाइज में आपको? बिल्कुल नहीं सिखाया गया है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, इस वाली जगह पर आपको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला और इस जगह पर लगाना है। अगर आप इसको x2 by 2 मान लेते हैं बेटा, इसको आप क्या मान लेते हैं, x2 और y2। ओके, इसको अगर आप x2 by 2 मान लेते हैं तो बाकी क्या हो जाएंगे, x1 y1। जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x1 y1 मान लिया जाएगा, और जब आप फॉर्मूला वहाँ पर लगाएंगे तो आपका वहाँ पर x1 y1 मान लिया जाएगा। तो करना क्या है, चलिए यहाँ पर लगाते हैं, इसको मान लेते हैं सी। चलिए, तो क्या निकालना है हमें, अगर क्वेश्चन की बात अगर करें तो हमें दिया हुआ है AC is equal to BC। ये बच्चे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर ये कैसे लिख दिया आपने? बेटा देखो जरा, AC and BC यही तो इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। तो हम AC को निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, उसके बाद हम किसको निकालेंगे, BC को निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे। चलिए जरा करके देखते हैं लगाएंगे बेटा। देखो जरा, ये आपकी वैल्यूज आपके सामने आई। अगर आपने इसको x2 by 2 माना है तो ये हो जाएगा a-2, है ना, a-2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चे y2-y1। बेटा y2 कितना है, y2 जीरो है,
और वाई वन कितना है बच्चे माइनस फाइव, तो जीरो माइनस माइनस फाइव क्योंकि बी की वाई की वन की वैल्यू कितनी बेटा माइनस फाइव। ओके ये बात समझ में आई आपको। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा बेटा ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बेटा फाइव, फाइव का स्क्वायर 25। ये तो हो गई इधर की बात। इसके इक्वल में क्या चल रहा है बच्चे बी सी चल रहा है ना। ये ए सी है बेटा, ये ए सी है, ये ए सी निकाला हमने तो ये ए सी निकल गया। अब हम बी सी निकालेंगे तो ये निकालेंगे, इसमें भी बेटा एक्स टू बाई टू वही मानना है तो ए माइनस माइनस टू, ए माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर। ओके ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे क्या आएगा ए माइनस क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। किया क्या मैंने सिंपल इनकी वैल्यूज पुट की हैं और यहाँ पर स्क्वायर बन रहा था फाइव का तो यहाँ पर ये लगा दिया। अब क्या करेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बाई एच बी एस लिख दूंगा बेटा मैं, इसका मीनिंग क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से होगा क्या कि ये जो रूट है ये हमारा हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ हमें टर्म्स बाहर निकल के आ जाएंगी ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81। ओके इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को अभी तक। देख लो जरा एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ तक नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाले हम लोग। ओके क्या करेंगे बेटा इसको एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना, एक साइड लेके आएंगे इसको ए माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं इसको ओपन कर देते हैं। ओके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ज़्यादा आसान नहीं रहने वाली हम लोग को इससे। ओके हुआ क्या बेटा ए माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे आप बता पाओगे क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, यही होता है ना बच्चे ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर हो गया टू का स्क्वायर फोर हो गया माइनस टू ए बी फोर एक्स हो गया, साथ में क्या चल रहा है बेटा 25। ओके इसके उस साइड भी कुछ ही चल रही थी, ध्यान दीजिए ए प्लस टू का होल स्क्वायर ये क्या होगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर बी, इसमें क्या आएगा प्लस फोर बी क्यों आएगा बच्चे फोर, ओहो एक्स लिया है नहीं है ए लिया है भाई, यहाँ पर लिया है बेटा ये ए आएगा आपका और यहाँ पर भी ए आएगा। ओके इतनी बात तो आप लोग समझते हैं, यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा, प्लस में क्या चल रहा था बच्चे 81। देख लो आप लोग पूरा कोई समझ में दिक्कत आ रही हो तो, इसका होल स्क्वायर खोला है और उसका होल स्क्वायर खोला है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है आइए जरा इससे होगा क्या बच्चे, ये ए स्क्वायर है और ये स्क्वायर, ध्यान देंगे यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है, यहाँ पर ए स्क्वायर ये है ए स्क्वायर ये, जब ये दोनों प्लस के बेटा एक तरफ जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ओके अब क्या होगा बेटा ये प्लस का फोर वो भी प्लस का फोर एक साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा बच्चे। ठीक है तो क्या बचा हमारा माइनस का फोर ए, ओके और माइनस का वो प्लस का फोर ए तो इधर आएगा, ये माइनस का फोर ए बेटा ये है ठीक है ना, और वो प्लस का फोर ए जब इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप देख लो बेटा, ठीक है ना, और होगा क्या बेटा ये 25 उस तरफ चला जाएगा 81 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे बेटा माइनस का 8 है और बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये 56। ओके वो भी प्लस का, अब अगर हमें ए निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा 56 अपॉन माइनस 8 ये सब बच्चों को आता है, ये बेटा कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा ये कैंसिल आउट होगा बच्चे ठीक है ना, क्या आएगा हमारा माइनस का 7। तो बच्चे हमने पॉइंट माना क्या था, हमने पॉइंट माना क्या था बेटा, हमने पॉइंट माना था ए कॉमा जीरो है ना, ये चीज़ तो मानी थी हम लोगों ने, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस 7.0, ये हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट से बताएंगे ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे बहुत ईजी था, एक पॉइंट था एक्स एक्सिस पर और दोनों जगह पर वहाँ पर पॉइंट निकालना था तो हमने इसको इक्वल पुट कर दिया और इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर दिया ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे आप ठीक है ना,
अगले वीडियो में मिलेंगे हमारे 8 क्वेश्चन पे, वन क्या कहते हैं, वन वीडियो वन लेक्चर, वन वीडियो वन क्वेश्चन, ऐसा चलने वाला हम लोग का। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, जरूर बताइए कमेंट्स में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।